गया? हो गया। चलो जी जान बची। सनी पुत्र, तेरे स्कूल वालों को पता है ना कि तेरे पास दो दो बहनें हैं, तेरा नाना है जो तेरे प्रोजेक्ट कंप्लीट करा देते हैं, हैं? पर समझ में नहीं आता ये स्कूल वाले बच्चों को ऐसा ऊल जुलूल प्रोजेक्ट बनाने को देते क्यों हैं? हैं? हरा काम छोड़कर पूरा परिवार प्रोजेक्ट खत्म करने में लगा हुआ। आजकल की पढ़ाई ना मेरी समझ से तो बाहर है। इसके लिए आपको कुछ नहीं आता है? हैं? आप मेरे पापा जैसे इंटेलिजेंट नहीं हो। ओए होए, अच्छा। हाँ भाई, तेरे पापा तो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट आदमी है। पता है। अच्छा, एक बात है, पंजा लड़ाने में ना तू मेरे मुकाबला नहीं कर सकता। छोड़ो, आप हार जाओगे। ये बात है, चल फिर हो जाए मुकाबला। यस यस। As promised, best room जयपुर के बेस्ट होटल में अपने सेकंड हनीमून के लिए। पसंद आया कि नहीं? है? बहुत अच्छा है। मजा आ रही है, अभी जाओ। तब मैच जीत गए। हाँ बोल बिट्टू। मामा रॉकी बोल रहा हूँ, आप प्लीज फौरन यहाँ पे आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? मेरा हाथ टूट गया मामा। क्या, फुटबॉल मैच में? वो फ्रैक्चर हो गया है। वो आपका जो क्लब है ना, उसी के पास एक डॉक्टर है, वहीं पे हूँ मैं। आप प्लीज आ जाओ, मैं अकेले घर नहीं जाने वाला। मतलब वो मेरे बंदे नहीं है तेरे साथ? नहीं नहीं है, बिट्टू और पप्पी भाई सब दोनों हैं यहाँ पे। आप प्लीज यहाँ पे आ जाओ, मैं माँ के सामने नहीं जा सकता। प्लीज मामा, प्लीज। तू बिट्टू को फोन दे। एक सेकंड। कौन है? लव? कोई नहीं, अपना बिट्टू। एनी बस। हाँ बोल, क्या बोला था? चलो सनी, तुम भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। चलो बेटा, माइनस 3PQ2। वो फुटबॉल खेलते हुए बोल रहा। फुटबॉल? तेरी टांग भी टूट गई? नहीं जी, पैर को कुछ नहीं हुआ, हाथ की हड्डी टूटी है। कहाँ है फ्रैक्चर, कलाई में कि कोनी में? कलाई के ऊपर और कोनी के नीचे, फोरआर्म पे। मानो कि थप्पड़ खींच के। बता तो ऐसे रहा है जैसे बहुत सोच समझ के जगह चूज की है फ्रैक्चर के लिए। और आप इसे कैसे ले आए जी? अच्छा, इसने आपको फोन किया? मुझे फोन करके नहीं बताया, मैं तो खा जाऊंगी ना इसे। इससे मैंने कितनी बार कहा है कि 10th स्टैंडर्ड है, ध्यान दे पढ़ाई में, यहाँ वहाँ नहीं, लेकिन ये मानता नहीं है। हर बार काय में लेके अगर कुछ ऊटपटांग हो गया ना तो हम सोचते रह जाएंगे। और तेरे फुटबॉल सर का है, वो क्यों नहीं आया तेरे साथ? उसका फर्ज नहीं बनता था? और तुझे डॉक्टर के पास कौन लेकर गया? कैसा डॉक्टर था? कैसा उसने प्लास्टर किया है? क्या पता उसने हड्डी ठीक से जोड़ी कि नहीं जोड़ी? आपने पता भी किया? पता चले जब प्लास्टर उतरे तो हाथ टेढ़ा का टेढ़ा, मेरे बच्चे का हाथ ही कभी ना ठीक हो। जी, मैं रिपोर्ट साथ में लाया हूँ, डॉक्टर से भी मिलाया हूँ, वो फिक्र मत करो। किस बात की फिक्र करूँ? हाँ, मेरे बेटे का हाथ टूट गया, ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि वो ध्यान दे? जी पूरी बात सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब मैं बात करूंगी इस प्रिंसिपल से, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। समझते क्या है ये लोग अपने आप को? मेरे बच्चे का हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, मैं चुपचाप बैठकर सुनती रहूंगी? मैंने स्कूल से फुटबॉल नहीं बंद करा दिया, तब देखना आप। मैं बाकी पेरेंट्स से भी बात करूंगी, उनसे कहूंगी कि कुछ भी करो, बात करो, ये फुटबॉल गेम नहीं होना चाहिए। ये क्या बेकार का गेम है? इस स्कूल पे केस ना कर दिया ना तो मेरा भी नाम स्वीटी नहीं है। ओ जी, स्कूल की कोई गलती नहीं है, स्कूल के मारे हाथ नहीं टूटा। क्या मतलब? भैया, अब आप खाओगे कैसे, लिखोगे कैसे, और
बॉडी, उसके लिए भी माँ को ही बुलाना पड़ेगा। वैसे ये उतरेगा कब? एक महीने बाद। शिट। किसी का फोन आया? नहीं। कहाँ रह गए? रॉकी को स्टुपिड मैच के लिए कैसे भेज सकते हो लवली? वो मैच इतना जरूरी था? यार तुम कब बड़े होंगे? मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इस, क्या कहूँ? अब फोन किया तुमने रॉकी को? क्यों? किसका इंतजार कर रहे हो? ये भी अब मैं तुम्हें कहूंगी तब? करता हूँ, रुक बिट्टू। हाँ वो दे यार रॉकी को। उसे तो तेरे जीजा जी ले गए। जीजा जी? खैर ये रहता, बाय। ले गए चीचा जी। तो अब मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? फोन करो जीजू को और पूछो रॉकी का क्या हाल है। यार डॉली मैं ना जीजे को फोन नहीं कर सकता और स्वीटी दी को तो कतई नहीं। हाँ मिस्टर लवली खन्ना, फोन तो तुम करोगे और वो भी अभी इसी वक्त, वरना मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। यार डॉल नहीं यार, प्लीज 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 प्लीज। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम ब्लडी सीरियस। क्लाइंट्स के सामने ये प्रेजेंटेशन दोगे अपने टारगेट्स की? यू स्टूपिड इडियट, या तो मुंह धो लो या फिर अपने टारगेट से हाथ धोने की तैयारी कर लो। आपके लिए ग्रीन टी बना दूं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जीत रहने दीजिए ना, ट्यूशन टीचर रख लेते हैं। आप भी खामखा इतने स्ट्रेस हो रहे हैं और पापा जी कह रहे थे कि उनके पास एक अच्छा ट्यूशन टीचर है। तुम सबको क्या लगता है मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं आता? तुम मुझे क्या कहने की कोशिश कर रही हो? बच्चों को घर आकर 4 घंटे हो गए, लेकिन ये देखो सब कुछ यही पड़ा हुआ है। उनकी स्कूल बैग्स, वाटर बॉटल्स, पेंसिल बॉक्स, अब तक तुम इन्हें नहीं संभलवा सकी। तुम्हें बताएं, 8 दिन के बाद रावी का टेस्ट है, टाइम टेबल तुम्ही ने बनाया है, लेकिन इन 4 घंटों में क्या तुमने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा, बात की उससे पढ़ाई के बारे में? हमारी बेटी में डिसिप्लिन की कमी है, लेकिन क्या किया है तुमने वो डिसिप्लिन लाने के लिए? जीत आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? पिंकी मुझे कौन फोन किए जा रहा है? किसका फोन काट रहे हो आप? साले जी का है। कौन साला? और कौन? लवली और कौन? लौ दो, मैं करती बात। हाँ जी पाजी, वो लवली तूने जो हमारे साथ किया है ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू वेरी मच, लेकिन बस आज के बाद ना तू कभी फोन मत कर देना यहाँ पर, और ना कभी मुझसे मिलकर सॉरी बोलने की कोशिश करना, समझा? ये लो। स्यापा पैकेट डॉली। अब हम कल यहाँ पार्टी करेंगे क्योंकि क्लाइंट को हम मना नहीं कर सकते लास्ट मिनट, और फिर शाम को वापस घर। बहुत मजा आया तुम्हारे साथ 2 दिन छुट्टी मनाकर। थैंक यू सो मच फॉर द हॉलिडे लवली। डॉल 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 मैं किसी तरह बात नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट्स है वही कह रहा हूँ, जो सच्चाई है। आज तुम्हारे सामने मैंने रावी को फॉर्मूलाज याद करने के लिए कहा था शाम तक, उसने प्रॉमिस भी किया था, क्या उसने किया? क्या तुमने कोशिश की उससे करवाने की, चेक किया कि उसने किया है कि नहीं? नहीं ना, क्योंकि तुम पापा जी को एंटरटेन करने में बिजी थी। जीत पापा जी का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, आप पापा जी को बीच में मत लाइए। I'm sorry कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन जब मैं ऑफिस से आया तो घर में तमाशा चल रहा था, पागलपन हो रहा था,
और इसमें पापा जी भी शामिल थे। हाँ तो बच्चे अपने नानों के साथ खेल रहे थे ना, कई दिनों बाद वो हमसे मिलने आए हैं। कम इन। पापा मुझे आपसे नहीं पढ़ना। I don't want to study with you. मम्मी, नानू चले गए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.